बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आ जाए इस म्यूजिक पर, और पिछले जो शनिवार था उसमें आया मैं तो कुल्लू में ना। तो मेरे भाई आप लोग को मैंने बता दिया मेरा टारगेट कितना है, कितने दिन बचा आज से, धीरे धीरे दिन बचते जा रहा है, और मैं आप लोग को समझ दे रहा हूँ, दे रहा आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाई। मन तो करता है कि नहीं जाता है, क्योंकि बिस्तर के अंदर जैसा लगता पानी आ रहा है, वो तीन मिनट तक तब बचते रहते ऐसा लगता है, बहुत भारी है। लेकिन मैंने तो कुछ महसूस हो रहा क्या? नहीं सर। मैं सोल्जर बनने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? सोल्जर। आपको ठंड या बारिश में बैठे रहना पड़ेगा, बाहर बाहर ना करेंगे अभी करके। सर पानी आ रहा तो मैं खड़ा नहीं हूँ, ऐसा बोलोगे? मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने को बिना तकना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन आप खुद से दूसरे से मत, खुद से तुम्हें खुद तक कितना परफेक्ट कर सकते, क्योंकि एक एक दिन आपको कब याद आएंगे, बढ़ते जाए सब आते आएंगे। वहाँ पे जब बंदा दो सेकंड एक सेकंड थोड़ा सा मेरा जबता, आपने सुना होगा कई बंदे को मुझसे सर थोड़ा सा रह गया ऐसा बोलते हैं, और कोई बेला कितना बोलता ना सर इतना सा रह जाता इतना सा थोड़ा सा ऐसा बोलते ना, अरे बोलते कि नहीं भाई तो तुमने वो वाला मेरा आज आप लोग का टेस्ट है। आपको ये सोच के दौड़ना है, ये सोच के ना दौड़ना यार पानी आ गया था मेरा टाइम नहीं निकला, ये नहीं निकला शुगर बढ़ती याद है सबको, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, पूरा कीचड़ था मेरे भाई। इस टाइम पे एनसीसी वाले बंदे कम से कम 810 बंदे थे, उनको मैंने बोला भी था कि भाई गेम प्लान कर, कई बंदे रुक गए बेचारे सी था उनके बाद, लेकिन गेम प्लान नहीं था। क्या नहीं था? गेम प्लान कैसा मैंने आपको बताया, जब भी ग्राउंड के बीच में लाता हूँ तो सबसे पहले मेन उद्देश्य ये चाहिए कि अपने को नंबर कैसे लगाना, आगे जाना कैसे, ये आपके गेम प्लान होना चाहिए, समझ मेरा। अब बात रही बारिश की यार, तो ऐसा मौसम को मत देखो भाई, अपने को अपना टारगेट पूरा करना, समझ मेरा भाई। आप अगर धीरे दौड़ोगे तो सामने वाला भी दौड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से दौड़ेगा, तो दौड़ेगा। अब अधिकारी को टीचर रहते हैं, टाइम से टीचर ना पाओ तो आप 15 में आना, तो आना ना, तो आप 15 में आते हो तो आप सेफ हो। अगर आप 20 बंदों के बाद में आते हो तो हो भी सकता है, इसलिए मेरा भाई सभी जवान प्लीज बोलकर दौड़ना, वो भी डरने वाली बात नहीं। किसी का टाइम नहीं निकलेगा तो ऐसा ना सोचना कि यार मेरा टाइम नहीं निकलेगा, फिर से तैयारी लग जाए। ओके सर, ये आपके क्या है ग्राउंड है, क्या ध्यान देते जाना, ये ग्राउंड। ओके अब क्या होता है कि भैया यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, क्या होती है आपकी, सबसे पहले आई होंगी, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपको बैठा हो जाएगा। भीड़ वाले बंदों का अलग लाइन, भीड़ वालों का अलग बनना है, टेक्निकल वालों का बंदा समझ मेरा, अलग अलग डे वाइज आपकी मर्जियाँ होंगी। ये सोच लो कि सभी अग्नि भीड़ वाले बंदे हो ना, यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, जैसे आपका बेस बन जाता है तो आपका उद्देश्य है कि आपको यहाँ से प्लान करना है, यहाँ तक पहुँचने के, समझ मेरा। अब मैं आपको उधर उधर बैठा के लाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे लाऊंगा, मैंने तीन स्टेप में भी रहने होंगे, यहाँ पे आपको धीरे 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 यहाँ तक पहुँचते हैं मेरा नीचे वाले बंदे। अब जैसे यहाँ पे आपका बेस बन गया, मैं लाएंगे चलो भाई चलो वही करेंगे, यहाँ पे आपको फर्ज बनता है कि हर किसी बंदे का सूट है ना 100 मीटर का, तो सूट मार के ये जो रूट है यहाँ पे बैठा लूंगा मैं, यहाँ पे आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तीन बंदे के लाइन रहेंगे, तीन बंदे रखना, तीन बंदे के पीछे उसके बंदे, तो आपको उद्देश्य ये बनता है कि आपको यहाँ पे लगाना है नंबर या यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पीछे नंबर लगाना बंदे बैठे यार मेरा नंबर लगा। अब जैसे आपने आगे नंबर लगा लिया, ये जो आगे बंदा बैठा है इसके दिमाग में क्या चलता है भाई, अब तो पास ठीक लगता ठीक लगता कि नहीं होता, अरे यार अब तो दौड़। अब इस बंदे को गलती क्या नहीं करना चाहिए बता रहा हूँ, इस बंदे को 50 से 60 मीटर का जो सूट मारना है, क्या मारना है, सूट मार के जो ये ग्राउंड है बाउंड्री, इस बाउंड्री को टच करते हुए रनिंग करना, समझ मारे कि नहीं, ये टच करते हुए रनिंग करना, ये हो गया फर्स्ट वाली की। अब बीच वाले बंदे की, बीच वाला जो बंदा है वो अपने आप को गुस्सा टाल नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ में वजह टच करके कोई लात मारता मारता कि नहीं मारता, कई बंदे रहते वहाँ 250 बंदे रहेंगे, कितने बंदे रहेंगे, तो बीच वाले बंदे को अपने आप को बचाते हुए निकलना है भीड़ से, जैसे तैसे भीड़ से निकलते हुए उधर नंबर लगा, इसको भी रूट पकड़ के दौड़ना। अब आते हैं पिछले आगे वाला हो गया, बीच वाला हो गया, अब भैया यार ये तो वैसे दसवीं शेर है, इसके पास तो कोई इधर भीड़ खड़ी है, अब इसको निकलना भी आगे, अगर ये नहीं निकलेगा तो भैया टाइम कवर नहीं होगा, तो इस बंदे को क्या करना है कि इस बंदे को सबसे बाहर से दौड़ना, जो गाड़ी देता है कट मारते ना, इधर से कट मारना, और कट मारते सीधा ऐसा
ये प्लान समझ में आया? ये फर्स्ट राउंड था। सेकंड राउंड में क्या करना है कि सामने वाले बंदे को कवर करो, ज्यादा दौड़ो, ज्यादा गेम मत खेलो। अगर सामने वाला बंदा 100-200 मीटर का गेप बना लेता है तो मनोबल डाउन होता है, कवर करूंगा ऐसा लगता है, मन में बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन क्या होता है कि उसको अपन कवर करके चलना, ठीक है ना। अब जैसे भैया तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, तीसरे राउंड में क्या करना है, सामने वाले बंदे को काट के आ गए, एक ही बंदे को रखना चाहिए, सबसे चलना चाहिए, कम मत होने देंगे, तो पैर इससे कम होते हैं। तीसरे राउंड में अपनी एनर्जी को वापस देना, सेट कर लेना बॉडी को। चौथे राउंड में अब जैसा चौथा राउंड कैसे होता है, यही तो राउंड है जिसके लिए अपन करने के लिए जाए, बिना तैयारी के तुम तीन राउंड आराम से दौड़ सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अपन मेहनत किस राउंड के लिए कर रहे हैं, फिफ्थ राउंड के लिए कर रहे हैं। चौथे राउंड में बंदों के साथ में चलना, और पता है कि भैया अपना एनर्जी यहाँ तक मैं जितना अपन लगा सकता हूँ यहाँ तक ला सकता हूँ, क्योंकि तुमको 200 मीटर का आ जाता है, जैसे यहाँ पे आते हो फुल स्पीड से यहाँ तक आते आराम से। तुम आ गया सभी को, सभी फिर से दौड़ोगे, चलो भाई 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको सेट कर लो, तुम्हारे साथ हमें भर के लेने वाला बन सेट कर।